नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत दर्ज करके सत्ता की हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों के सत्ता के सूखे को खत्म करने के तमाम प्रयत्न करते हुए नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से पिछले 10 सालों में अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करने की बात करते हुए ये कहती हुई नजर आ रही है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के इतिहास में रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां हमने प्रदेश के युवाओं को दी और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वर्तमान में भी आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हुए नजर आए हैं कि आगामी 90 दिनों में हरियाणा में ताबड़तोड़ सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ होंगी और इन्हीं के आधार पर आगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वाकई में क्या बीजेपी इस तरीके की रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के तमाम सियासी हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जिनकी तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हरियाणा की जनता को पिछले 9.5 सालों में और ये यूं कहें कि 10 सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा किस कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा में MSP की मांग को लेकर किसानों ने लंबे वक्त तक प्रदर्शन किया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे खामियाजा भुगतना पड़ा और 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। सहयोगियों के दम पर केंद्र में सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हठधर्मिता पर रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, लेकिन देश के किसान के सामने उनको झुकना पड़ेगा और MSP पर गारंटी कानून यहाँ केंद्र सरकार को बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर तथ्यों के आधार पर यदि बात करें, कुछ आंकड़ों के आधार पर यदि बात करें, तो जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर सुपड़ा साफ करते हुए कांग्रेस पार्टी का और जीत दर्ज कर ली थी, इस बार 5 वो सीटें जिन पर हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें से हिसार एक बड़ी सीट रही जहां से दुष्यंत सिंह चौटाला भी 2014 में सांसद बनकर के आए थे, रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता रहा है, अंबाला भी वो यहाँ पर इलाका है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास उनके संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े कद्दावर चेहरे का नाम था अनिल विज, लेकिन उस चेहरे की राजनीति को नहीं साध पाए। इसके साथ साथ यदि बात करें तो लगातार सिरसा में जहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत होती नजर आई है, वो भी एक बड़ी सीट रही, और कुमारी सैलजा जो कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने वहां से जीत दर्ज करते हुए ये संकेत दिए कि आज भी संपूर्ण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। लेकिन यहां सरकार पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार की बात हम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी के पास ही कहा जा रहा है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं है, कहीं ना कहीं उनको अब आने वाले चुनाव से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर सरकार चलाने के लिए नायब सिंह सैनी के पास 45 विधायक होने चाहिए, यह संख्या महज 43 है, और विपक्ष दावे कर रहा है कि हमारे पास संख्या बल मौजूद है जिसके आधार पर सरकार को गिराने का कभी भी यहाँ पर जो है तमाम विपक्षी दल दावा करते हुए नजर आ सकते हैं और हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो हरियाणा की राजनीति उस महत्वपूर्ण मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा में सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात कर ली जाए तो हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतरता के साथ प्रयत्न करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके लिए आगामी चुनाव में चुनौतियां ये बनी हुई हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से जो किसान आंदोलन हुआ और दुष्यंत चौटाला जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर संगठन को अलग लेकर के चले गए, यहाँ पर जो है गठबंधन जो चल रहा था उसमें दरार देखने को मिली, तो क्या आगामी वक्त में जाट वोट बैंक फिसलता हुआ नजर आएगा? वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह OBC चेहरा होने के नाते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दाव ठोक रहे हैं,
उनका ये कहना है कि नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर के भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम यहाँ पर सीटों के लोगों को, ये यूं कहे कि हरियाणा की जनता के तमाम सपनों को चकनाचूर किया है जो राव इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर बनते देखना चाहते थे। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पर यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के मेरे चेहरे का, मेरे नाम का ऐलान नहीं किया तो मैं कोई भी बड़ा फैसला यहां से लेने को स्वतंत्र हूं। अब देखना यह होगा कि हरियाणा में वाकई में क्या सत्ता का परिवर्तन होता हुआ नजर आता है, क्योंकि चंद दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद किरण चौधरी ने ये कहा कि हुड्डा पिता पुत्र की पार्टी कांग्रेस बन करके रह गई है और ऐसे में आगामी वक्त में और भी दिग्गज नेता यहां से पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहा है और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुद्दों को उठाने में नाकामयाब रहे हैं हुड्डा, जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने को मिला। यानी कि एक तरफ किरण चौधरी, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अपना अलग गुट तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में आगामी वक्त में यहां पर कांग्रेस अपने लिए ही यहां गड्ढे खोती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त यदि मैदान की, ग्राउंड की जो बीच की परिस्थिति है उसको देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच आमने सामने की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और उस राज्यसभा की सीट के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कहीं ना कहीं जुबानी जंग भी देखने को मिली। एक तरफ दुष्यंत चौटाला ये ऑफर कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आए कि यदि नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराए जाने का प्रयास यहां विपक्ष करता हुआ नजर आए तो जननायक जनता पार्टी अपना पूर्ण समर्थन उसमें देती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ यदि बात करें यहां पर कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की, तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ये स्पष्ट करें कि उनके पास उनके तमाम जो 10 विधायक जीत करके आए थे वो समर्थन देने को तैयार हैं। यानी कि हरियाणा में तमाम छोटे दलों से लेकर बड़े राजनीतिक दलों तक कहीं ना कहीं अपनी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से निकल के आएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी 10 साल के सूखे को खत्म करते हुए कमबैक करने में कामयाब होगी या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में हैट्रिक लगाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News।